नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लाता हूं हर रोज़ टेक्निकल, एजुकेशनल, साथ ही जनरल नॉलेज की वीडियो। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उसके आंसर्स भी बताऊँगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी यूज़ करते हैं आप या फिर मैं या फिर कोई भी दोस्तों, हर कोई आजकल टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है, तो ये 5 क्वेश्चन जो है बेसिक्स हैं, हर किसी को पता होनी चाहिए। चाहे आप टेक्निकल फील्ड से हों, टेक्निकल फील्ड से ना हों, टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं ना कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल सा फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन 5 क्वेश्चन हैं इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो कौन से वो 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी बताऊंगा। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर या पितामह किसे कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, चार्ल्स बेबेज, सेकेंड ऑप्शन है विंट सर्फ, थर्ड ऑप्शन है रे नारोडा एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्यभट्ट। ये 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन है फादर ऑफ इंटरनेट? तो ज़रा सा गेस करिए। मैं आपको बताता हूँ कि इन 4 में से कौन है जिसने इंटरनेट का आविष्कार किया था। पूरी तरह नहीं कि मतलब उसने ही किया था, बट किसने किया था तो बता दूँ कि इसमें से जो सेकेंड ऑप्शन है विंट सर्फ, ये है विंट सर्फ, इन्होंने ही इंटरनेट का आविष्कार किया था। यानी कि इन्होंने ही इंटरनेट नहीं बनाया था, इनका काफ़ी ग्रुप था, उन लोगों ने सबने मिलकर बनाया था, बट जो उसमें मेन थे वो विंट सर्फ थे। बेसिकली विंट सर्फ जो है TCP/IP प्रोटोकॉल के डिज़ाइनर थे, तो उन्होंने ही इंटरनेट की जो है कि नींव रखी थी और इंटरनेट का आविष्कार किया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आप वेबसाइट के कॉर्नर पर आपने देखा होगा WWW 3 बार लिखा होता है, तो उसे किसने बनाया था? तो उसके भी 4 आंसर आपको यहाँ पर दिया है, उसमें से पता करना है। फर्स्ट है मार्टिन कूपर, सेकेंड है टिम कुक, एंड थर्ड है टिम बर्नर्स-ली, एंड फोर्थ है आर्यभट्ट। तो इन 4 में से आपको कौन लगता है कि जिसने वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया था? तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ, जो थर्ड ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, यही है, इन्होंने ही कंप्यूटर का जो वेबसाइट आप देखते हैं या कोई भी URL देखते हैं उसमें शुरू में WWW लिखा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब उसका फुल फॉर्म है, इसका आविष्कार किया था। बेसिकली ये एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया था। हर वेबसाइट की जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे URL में तो WWW 3 बार लिखा होता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेसिक क्वेश्चन है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विच कंपनीज़ निक नेम बिग ब्लू। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका नाम है बिग ब्लू? तो 4 कंपनियों के नाम दिए हैं, फर्स्ट IBM, सेकंड सैमसंग, थर्ड माइक्रोसॉफ्ट एंड फोर्थ है गूगल। तो इन 4 में से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका नाम बिग ब्लू से आता है? तो इसका आंसर भी एकदम ईजी है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है IBM। IBM कंपनी का नाम बिग ब्लू है। तो क्यों IBM का नाम बिग ब्लू, ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि IBM तो आप लोगों को ही पता होगा कि IBM अमेरिका की इंटरनेशनल कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के पार्ट्स, ये सब का निर्माण करती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ चलती आ रही है काफ़ी सालों से, लगभग 100 साल होने आ गए इसको। तो बिग ब्लू क्यों नाम पड़ा IBM का? क्योंकि इसका जो लोगो है आपने देखा होगा, IBM लिखा है, इसमें व्हाइट कलर में लिखा होता है और बैक साइड में बड़ा सा ब्लू कलर में उसमें जो डिज़ाइन दिया गया है, इसलिए इसका नाम बिग ब्लू है। तो ये छोटा सा एक रीज़न है कि IBM कंपनी का नाम ही निक नेम, यानी उसका एक नाम है बिग ब्लू। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, शायद ही आपको पता रहा होगा इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैंने इंटरनेट का फादर पूछा, तो उस तरह कंप्यूटर का फादर कौन है, कंप्यूटर का निर्माण किसने किया या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, फर्स्ट बिल गेट्स, सेकेंड वॉरेन बफेट, थर्ड है स्टीव जॉब्स एंड फोर्थ है चार्ल्स बेबेज। तो इन 4 में से आपको कौन लगता है जिसने कंप्यूटर का निर्माण किया? तो ये भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ जो आंसर है चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने ही कंप्यूटर का निर्माण किया था, सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर। बेसिकली जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, मैथ्स के कैलकुलेशन वगैरह वो करते थे, तो उस समय ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने अपने माइंड का तकनीक का इस्तेमाल करके फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। तो कंप्यूटर वर्ल्ड में फर्स्ट कंप्यूटर इनके ही हाथों से बना था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पितामह या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और स्मार्ट ज्ञान है, आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां क्वेश्चन जो है हमारा। तो 5वां क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। अब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था, तो आखिर उसका नाम क्या था, जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो फर्स्ट कंप्यूटर का नाम दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए आपको, इनेक ENIAC लिखा है फर्स्ट, सेकेंड है टेंडी, थर्ड है ई डॉट मशीन, ई मशीन,
एंड फोर्थ है IBM। ये चार ऑप्शन है, तो आपको क्या लगता है इसमें से फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा हो सकता है? तो इसका भी सिंपल सा आंसर बता देता हूँ, फर्स्ट वाला जो है इनेक करके जो दिया है, यही फर्स्ट जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये सबसे पहले बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। इसे जॉन वाउचली एंड प्रिस्पर एकर्ट करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। अब कन्फ्यूज मत हुई, जो फर्स्ट चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसका नाम कुछ अलग था, वो बेसिकली एक छोटा सा कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर बनाया था, लेकिन जो सबसे मेन मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो कंप्यूटर की दुनिया का अगर माना जाए कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, जो अभी जो हमारा आज का कंप्यूटर है मैकेनिकल तौर पर देखा जाता है मशीनरी है एक हिसाब से, तो उसमें जो फर्स्ट कंप्यूटर था इनेक था, और चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था वो कैलकुलेशन करने वाला एक छोटा सा मशीन था, बट वो भी कंप्यूटर वर्ल्ड में फर्स्ट आता है। तो फर्स्ट कंप्यूटर सिंपल सी बात कि इनेक था, यही आप पिक्चर में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा था, ये बहुत बड़े कमरे के अंदर, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये कोई बहुत 8-10 कंप्यूटर नहीं, ये सिंपल एक कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर चलाने के लिए यहाँ पर लगभग 15-20 लोग लगते थे। यहाँ पिक्चर में आपको 4-5 लोग दिख ही रहे हैं ऑलरेडी, बाकी तो लंच पे गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन के स्मार्ट आंसर पता चल गए होंगे, शायद ही आपको इन ऐसे 5 जो क्वेश्चन मैंने बताए इनके आंसर पता होंगे। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज के तौर पर आपको ये पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसे और भी लोगों को शेयर करिए, हर जगह ट्विटर व्हाट्सअप फेसबुक व्हाट्सअप हर जगह शेयर करिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके नीचे घंटी होगी इस तरह की, उसे बजा दीजिए, इससे होगा कि मैं जब भी इस तरह की वीडियोज़ डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्मार्ट रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।